राजधानी रांची में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी के सिकंदर को गिरफ्तार किया है। सिकंदर गद्दी पर 50 से ज्यादा घरों में चोरी का आरोप है। एक रिपोर्ट। ताला तोड़ने का महारत जो था बहुत कम लोगों में होता है। एक एक दिन में 14-14 घर, 13-13 घर, एक एक दर्जन घरों का तुमने ताला तोड़ा, तुमने वहां से गहने निकाले, उसके बाद ये सारी चीजों को किया क्या सर, ये सीखा कहाँ से? नहीं सर, ये सब एक दिन में ऐसा नहीं करते थे। दोस्त लोग करता था, साथ में रहता था जो, वो सब और बड्डी फिरोज करता था, वो सब तोड़ने वाला काम साथ में रहता था। तो हमको तो सब कुछ आता नहीं था, हमको कभी जानबो नहीं करते कैसे टूटता है, कहाँ होता है। अच्छा, ये चुटिया डोरंडा वाला जो तोड़ा था एक साथ, एक 8-8 घर का, वो कैसे तोड़ा था? प्रोफेसर साहब के यहाँ जिसमें हाथ भी कटा था, वहाँ पर ये हाथ कटने के बाद तो फिर वहाँ गए थे, फिर तोड़े थे, फिर वहाँ पर चल गए थे डायरेक्ट हिंदपीढ़ी, फिर चल गए, फिर हाथ कटा हुआ मैं, फिर उसका बाद इलाज करवाने आए यहाँ सदर अस्पताल हाथ का। तो यहाँ टाँका स्टिक उटिक पड़ा, तो यहाँ का भी यहाँ पड़ा, इसका बाद यहाँ से फिर हम चल गए थे डायरेक्ट छत्तीसगढ़। सिकंदर, ये शातिर चोर रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में अपने काम को अंजाम देता है। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से नहीं बच सकता। और सिकंदर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मुंबई से रांची लौटने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पुलिस सिकंदर के लिए घात लगाए बैठी थी। सिटी डीएसपी थे और डोरंडा थाना प्रभारी, चुटिया थाना प्रभारी और एयरपोर्ट थाना प्रभारी थे। इन लोगों ने जाकर वहाँ पे सिकंदर गद्दी, पिता सुल्तान गद्दी, जो कि इलाही नगर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। शातिर सिकंदर पर रांची में 50 से अधिक चोरियों का आरोप है। साल 2019 के 19 सितंबर को ही सिकंदर ने एक साथ 11 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सिकंदर पर रांची में ही 25 चोरियों के केस दर्ज हैं। सदर इन इलाकों में चोरी की वारदात करता था और बाहर के, जहां तक अभी तक हमें सूचना प्राप्त हुई है, बाहर के राज्यों में भी इसने इस तरह से घटना को वारदात दिया। बहरहाल सिकंदर गद्दी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिकंदर अकेले ही घटना को अंजाम दिया करता था या फिर इसके साथ पूरा गिरोह काम करता है। और अगर ऐसा है तो गिरोह का भांडाफोड़ करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। कैमरामैन पवन के साथ न्यूज 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।